Everyone, myself Shipra Joshi, and today's topic is loops. In this lecture video, we are discussing about what is loops and why they are used. Previous sections में हमने conditional statements पढ़ लिए. Conditional statement क्या करते हैं? Condition के basis पर flow को decide करते हैं कि कौन सा statement execute होगा या नहीं. Loops का काम होता है कि कोई statement कितनी बार execute होगा, कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं. पीएचपी में लूप्स बेसिकली चार तरह के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप, जिनमें से वाइल, डू वाइल और फॉर तीनों किसी काम को करने के तीन तरीके हैं. कंपल्शन नहीं है कि आप यहाँ पर फॉर लूप ही यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर वाइल लूप ही यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी भी जगह कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक कंफर्टेबल कंडीशन होती है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास मोबाइल भी है और मेरे पास कैमरा भी है. अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे एकदम से कभी कोई फ़ोटो खींचना पड़ा तो मैं मोबाइल से उसको क्लिक कर लूँगी. लेकिन अगर कहीं प्रोफेशनली मुझे फ़ोटो क्लिक करना है तो मैं उसके लिए कैमरे का ही यूज़ करूँगी. तो ये डिफरेंस होता है अलग अलग लूप्स में कि अगर आपको फॉर लूप, हर लूप का अपना एक कम्फर्ट जोन होता है, आप उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हो. फॉर लूप के लिए कंफर्ट जोन की बात ये होती है जब आपको पता है कि लूप यहाँ से शुरू होना है और इस पर्टिकुलर नंबर पर ख़त्म होना है. हमारे पास कोई काउंटर है या हमारे पास एक सीक्वेंस है कि हमको 1 to 10 के लिए लूप चलाना है या 1 to 20 के लिए लूप चलाना है या 10 times लूप चलाना है. तो ऐसे टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर लूप यूज़ करते हैं. वाइल लूप कब यूज़ होता है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि लूप चलाना है, लेकिन ख़त्म कब करना है वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आप लूप चलाते रहिए जब तक मैं ज़ीरो इनपुट ना दूं. तो ये वाला जो कंडीशन होती है ये लूप वाइल के लिए कंफर्टेबल कंडीशन है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये प्रोग्राम फॉर लूप से नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है वाइल. डू वाइल, डू वाइल में एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर आपको कंपलसरी बिना कुछ चेक किए लूप को एक बार तो चलाना है तो ऐसे टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं? डू वाइल लूप लगाते हैं, क्योंकि डू वाइल में कंडीशन हमेशा लास्ट में चेक की जाती है तो एटलीस्ट एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो ही जाता है. तो अगर मैं इस बेसिस पे कैटेगराइज करूँ तो फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, जबकि डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है. एग्जिट के टाइम पर कंडीशन चेक की जाती है. फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप हमेशा कलेक्शन पर चलाया जाता है. वो एक एरे भी एक कलेक्शन हो सकती है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स पर अगर आपको कोई लूप चलाना है तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं. फॉर लूप सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं. जब तक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है चार्ट में एक्सप्लेन करना टफ हो जाता है, इसलिए हम फिर दूसरे तरीके यूज़ करते हैं, DFD वगैरह यूज़ करते हैं. लेकिन इनिशियली फॉर लूप को अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं फ्लो चार्ट को सबसे अच्छा कन्वीनियंट वे मानूंगी. फॉर लूप में हम यहाँ प्रोग्राम में लूप में एंटर हुए, लूप में एंटर होने से पहले यहाँ पर एक कंडीशन चेक की जाएगी. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. तो ये होता है फॉर लूप और उसके बाद हमारा फॉर लूप ख़त्म हो. ये हमारा फ्लो चार्ट है. अगर मैं इसको सिंटेक्स वाइज एक्सप्लेन करूँ तो फॉर लूप में तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन और नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. अगर मैं 1 to 10 लूप चला रही हूँ तो मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 10 to 1 लूप चला रही हूँ तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. इनिशियलाइजेशन के लिए हम वेरिएबल को इनिशियली किससे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, हमारा काउंटर कहाँ से शुरू करना है, उसके लिए हम इनिशियलाइजेशन यूज़ करते हैं. फिर कंडीशन, कब तक, किस कंडीशन के ट्रू होने तक आपको लूप चलाना है, वो कंडीशन होती है. और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप कितने का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं, या डिक्रीमेंट करना है तो डिवाइड करके भी डिक्रीमेंट किया जा सकता है. और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करेंगे वो जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा. कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप के.
फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है, सपोज 5 है, तो मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है. या डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है. डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द नंबर गिवन अप टू एन इंटीजर, और प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 100. ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं, हम एक एक करके इनको ट्राई करते हैं. सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन कर रही हूँ. यहाँ पर मैं एक नया प्रोग्राम बना रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से ओपन है, इनको क्लोज कर रही हूँ. फाइल सेव एज, हमने अपने सारे प्रोग्राम वेब फोल्डर के अंदर सेव किए हैं, सी ड्राइव के अंदर. सी जैम एच टी डॉक्स वेब फॉर डॉट पी एच पी. सबसे पहले मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रही हूँ. फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर एक्स इक्वल्स टू 5. सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रही हूँ, आंसर में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 डाल दिया. फॉर लूप लगाया डॉलर आई इक्वल्स टू 1 से लेके डॉलर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, डॉलर आई प्लस प्लस. डॉलर आंसर इक्वल्स टू डॉलर आंसर इंटू डॉलर आई, और लास्ट में मैं आंसर को इको कर दूंगी. सेव करते हैं और रन करते हैं इसे. कॉपी फाइल पाथ. अब मुझे ज़ैम्प ओपन करना होगा. स्टार्ट ज़ैम्प, ब्राउज़र भी ओपन करते हैं. ये देखिए, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं. 125 का फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 प्रिंट हो गया. नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट है टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, अपने लूप में थोड़ा सा चेंज करेंगे. इसी के आगे मैं कर रही हूँ, एक एचआर के थ्रू मैंने लाइन चेंज कर दी है. अब मैं फॉर लूप लगा रही हूँ, डॉलर आई इक्वल्स टू 1, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, डॉलर आई प्लस प्लस. इको डॉलर आई डॉट बी आर, बी आर से मैंने लाइन चेंज कर दी. अब पेज को रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए 1 to 10 की लाइन आ गई. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है डिस्प्ले सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के लिए हमको करना क्या होगा, बस यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे डॉलर सम इक्वल्स टू 0. जब भी एडिशन की बात आती है हम 0 यूज़ करते हैं इनिशलाइजेशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं. डॉलर आई इको एच आर लाइन चेंज करने के लिए, इको सम इज डॉलर सम. ये देखिए सम इज 55. इसी तरह से आप बाकी प्रोग्राम भी ट्राई कर सकते हैं. क्यूब के लिए हमको बस क्या करना होगा, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर हमको लूप में i की जगह i टू द पावर 3 प्रिंट करना है. और इवन ऑड में हमको करना क्या होगा, इवन ऑड का प्रोग्राम मैं करके बता रही हूँ. इवन ऑड में हमें क्या करना होगा, हम फॉर लूप के अंदर एक इफ एल्स लगा देंगे. फॉर डॉलर i इक्वल्स टू 0, डॉलर i इज लेस देन 100, डॉलर i प्लस प्लस. इफ डॉलर i मॉड 2 इक्वल्स टू 0, इको डॉलर आई. इसके बाद स्पेस देने के लिए एम्परसेंट NBSP लगा दिया मैंने 2 बार, ताकि स्पेस आ जाए. एल्स में हमको कुछ नहीं करना है. इससे क्या होगा, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. 0, 2, 4, 6, 99 तक के हमारे जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. यहाँ पर मैं एक HR लगा दूँ, ताकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट अलग अलग दिखे. इस तरह से आप अलग अलग फॉर लूप के प्रोग्राम बना सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप.
वाइल लूप सेम ऐसे ही होता है. वाइल लूप में बस कंडीशन पहले आ जाती है और कोड एग्जीक्यूट हो जाता है. यहाँ पर इनिशियल कंडीशन आपको लूप के पहले देनी होगी और आपको कंडीशन में जो भी चेंजेस करने हैं वो लूप के अंदर करने पड़ेंगे. कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हुई तो लूप बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आप लूप से बाहर आ जाएंगे. इसके सिंटैक्स में सिर्फ वाइल कीवर्ड का यूज़ होता है और उसके साथ कंडीशन दी जाती है. जैसे फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, अगर मुझे यही काम वाइल लूप से करना है तो बस मुझे लूप में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, ये जो आई इक्वल्स टू वन है ये मुझे ऊपर शिफ्ट करना होगा तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. ये जो इंक्रीमेंट है ये मैंने लूप के अंदर शिफ्ट कर दिया. इस सेमी कोलन को भी मैंने टाइप नहीं किया, ऊपर से कॉपी कर लिया और सिर्फ फॉर की जगह मैंने वाइल लिख दिया. प्रोग्राम के आउटपुट में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, बस अब हमारा फॉर वाइल में कन्वर्ट हो गया. टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग और प्रिंट हाफ ऑफ एनी नंबर अनटिल इट बिकम ज़ीरो. मैं आपको ये चारों प्रोग्राम्स करके बता रही हूँ एक एक करके. सबसे पहले प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं. कंट्रोल एस, प्राइम डॉट पी एच पी, क्वेश्चन मार्क पी एच पी. प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद से और किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो. तो मैंने नंबर ले लिया सपोज 25. अब मैं इसे चेक करूँगी फॉर, सॉरी मुझे ये वाइल से बनाना है. वाइल डॉलर एन इज लेस देन डॉलर एक्स या डॉलर आई इज लेस देन डॉलर एन. डॉलर आई को मैं इनिशलाइज कर रही हूँ 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हम डिवीज़न 2 से ट्राई करते हैं. इफ डॉलर एन मॉड डॉलर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ब्रेक. ठीक है, डॉलर आई प्लस प्लस. यहाँ पर मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले रही हूँ, डॉलर फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा रही हूँ मैं, डॉलर फ्लैग इक्वल्स टू वन. जब भी कोई नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो हम फ्लैग में वन कर देंगे और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. ब्रेक क्या करेगा? आपको वाइल लूप से बाहर कर देगा. अब मैं चेक कर रही हूँ, इफ़ डॉलर फ्लैग इक्वल्स टू वन है तो मैं क्या कहूँगी? नॉट प्राइम. अदरवाइज मैं क्या बोलूँगी? प्राइम. हमने ये फ्लैग वेरिएबल क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम क्यों अननेसेसरी उसे सारे नंबर से डिवाइड करके देखें और फिर बोलें? अगर वो किसी भी एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो हम फ्लैग में वन डाल देंगे कि हाँ डिवाइड हो गया है, फ्लैग में वन है, और ब्रेक कर देंगे. और अगर नॉर्मली किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो फ्लैग में हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा, वन कभी हो ही नहीं पाएगा. तो पूरे लूप के बाद हम चेक करेंगे फ्लैग में ज़ीरो है या वन है. अगर फ्लैग में वन है तो हमने बोल दिया नॉट प्राइम, मतलब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके आया है. दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई नंबर से डिवीज़न कम्प्लीट हो गया है. और अगर फ्लैग में वन नहीं है तो हम इसे बोल देंगे प्राइम. इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. कॉपी फाइल पाथ, नॉट प्राइम, 25 प्राइम नहीं है इसलिए नॉट प्राइम. अब अपन एक नंबर ऐसा देख लेते हैं जो प्राइम होता है, लाइक 17. 17 को चेक किया तो उसने रिटर्न कर दिया प्राइम. इस तरह से हमने प्राइम का प्रोग्राम देखा. नेक्स्ट हमको देखना है टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट. पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका रिवर्स सेम होता है, ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, तो हम उसे पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं. क्वेश्चन मार्क पी एच पी, डॉलर नम इक्वल्स टू 123, डॉलर नम या टैम्प इक्वल्स टू डॉलर नम. मैंने उसकी एक कॉपी बना ली. वाइल डॉलर टैम्प इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मैं प्रोग्राम को चलाऊंगी. और एक वेरिएबल है डॉलर आंसर, उसमें मैंने इनिशियली क्या डाल दिया? ज़ीरो. डॉलर आंसर इक्वल टू डॉलर टैम्प मॉड 10. डॉलर आंसर इक्वल्स टू, या मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ डॉलर एक्स इक्वल टू टैम्प मॉड 10. डॉलर आंसर इक्वल टू डॉलर आंसर इंटू 10 प्लस डॉलर एक्स. अब हम चेक करते हैं इफ़ डॉलर आंसर लूप के बाहर, ठीक है, इक्वल्स टू डॉलर नम, तो हम क्या कर देंगे? इको पैलिंड्रोम, एल्स इको नॉट पैलिंड्रोम.
यहाँ पर मैंने वैल्यू को डिवाइड नहीं किया, टेम्प इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी फ्लोर, डॉलर टेम्प डिवाइड बाय 10। देखिए पैलिंड्रोम डॉट पी एच पी, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लोकल होस्ट, देखिए नॉट पैलिंड्रोम, 123 पैलिंड्रोम नहीं है, जबकि 121 क्या है, पैलिंड्रोम है। क्लियर हुआ? पैलिंड्रोम के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमको ट्राई करना था वो आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग में हमको करना क्या है, जैसे हम पैलिंड्रोम में सम कर रहे थे, हमको क्यूब करके सम करना है। क्यूब करके सम करने से फ़ायदा क्या होगा, क्यूब करने के बाद जो सम करते हैं अगर वही नंबर मिलता है तो उसे आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। और प्रिंट हाफ ऑफ एनी नंबर अंटिल इट बिकम ज़ीरो, हमको नंबर को प्रिंट करना है और उसको डिक्रीज करने के लिए डिवाइड बाय टू करना है। कब तक, जब तक वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है तब तक लूप चलाना। आप ये खुद ट्राई करिए, अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या होता है, जब आपको स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करना होता है तब हम डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, जहाँ व्हाइल लिखा हुआ है वहाँ पर डू लगा देंगे और प्रोग्राम के ख़त्म होते वक्त वाइल स्टेटमेंट लगा देंगे। अगर मुझे यही कोड डू वाइल से करना होगा तो मैं क्या करूँगी, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से कट करके नीचे ले आऊँगी और यहाँ पर क्या लगा दूँगी, डू। ये हो गया वाइल का डू वाइल में कन्वर्जन, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप का ऑल प्रोग्राम्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय फॉर और वाइल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय डू वाइल, having one extra feature that loop will execute at least one, एक बार तो loop execute होगा ही। अगर मैंने यहाँ पर answer number में -121 भी दे दिया तो भी loop at least एक बार तो execute हो ही जाएगा। ठीक है, ये condition होती है do while loop की। For each loop, for each loop मुझे अभी discuss करने का intention नहीं है, क्योंकि actually for each loop में array use होती है और एरे का टॉपिक अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। जिस लेक्चर वीडियो में मैं एरे डिस्कस करूँगी उस लेक्चर वीडियो में आपको मैं फॉर ईच का एग्जांपल दूंगी। बेसिकली फॉर ईच लूप होता क्या है, मैं जस्ट एक इंट्रो दे देती हूँ, टॉपिक है इसलिए अपन इसका एक इंट्रो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ हम इसका एरे के साथ पढ़ेंगे। जब हमें एरे के हर एलिमेंट पर कोई काम करना होता है, सपोज़ मुझे एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, सारे एलिमेंट पर किसी तरह का कंपैरिजन अप्लाई करना है या किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। जब तक लूप में एलिमेंट होंगे तब, जब तक एरे में एलिमेंट होंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। फॉर ईच लूप वर्क्स ऑन एलिमेंट्स बेसिस रैदर देन इंडेक्स, एलिमेंट के बेसिस पर काम करता है, वो देखेगा ही नहीं कि इंडेक्स क्या है, जब तक एलिमेंट्स है तब तक लूप चलता रहेगा। इट प्रोवाइड एन ईजिएस्ट वे टू इटरेट द एलिमेंट ऑफ एन एरे। इन फॉर ईच लूप वी डोंट नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू, आपको इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता, आपको वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करना पड़ता, तो एग्जीक्यूशन वाइज फॉर ईच लूप फॉर लूप के कंपेरिजन में फास्ट होता है। फॉर ईच लूप में अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दे दें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में जितने एलिमेंट है तब तक लूप चलता रहेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे तब हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए फॉर ईच कीवर्ड यूज़ किया जाता है। लेफ्ट साइड में आपको एक एरे पास करनी होती है, राइट साइड में एक टेम्परेरी वेरिएबल पास करना होता है जिसमें एरे के एक एक एलिमेंट की वैल्यू कॉपी होती है। ये फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप के एग्जाम्पल्स हम एरे के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।